Hello everyone, welcome to my channel Shorts with Shakti. And in today's episode we have Kabir with us. Kabir ko maine Canada mein jab first time aaya tha tab main mila tha. He is one of the first person that I have met in Canada. So Kabir bhai kaise ho? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो। बस बढ़िया. तो कबीर भाई आपके बारे में बताओ जरा, आप क्या कर रहे हो एंड आपने क्या किया हुआ है एंड कैसा रहा आपका अब तक का जर्नी? जी भाई, तो मैं प्लस टू के बाद, ऐसे ही जैसे यार पंजाबी आजकल आ रहा है ना, तो मैं प्लस टू के बाद जब मैं एक्चुअली 11th में ही मेरे मम्मी ने मेरे को कहा कि जाके आज कर ले, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां थी और करने को कुछ था नहीं, तो मैंने आयल्स कर ली। और मैं अपनी प्लस टू के बाद मतलब सबसे पहला लड़का था जो अपनी क्लास से बाहर आया। तो मैं आया यहाँ पे 2019 के अगस्त में आ गया था भाई, और उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का कोर्स किया। स्टडी के बाद फिर मैं अपने वर्क परमिट पे था, तो मेरा वर्क परमिट 3 साल तक का, मतलब अगले 2024 में अगस्त में एक्सपायर होने वाला है। तो इन द मीन टाइम के जब ओंटेरियो में था तो मैंने डिफरेंट जॉब्स की। फिलहाल मैं अभी कॉन्सेंट्रिक्स में काम कर रहा हूँ हाँ और बस यही चल रहा है अभी तो। अच्छा, तो हॉस्पिटैलिटी क्यों, मतलब 12th के बाद सोचा था कि यही करना है और कि और कुछ सोचा हुआ था? बेसिकली जब भी हम इंडिया में होते हैं तो भाई इतना हमें पता नहीं होता भाई क्या करना है, हाँ राइट। वही है. तो मेरा आर्ट्स फील्ड था तो एजेंट कहता भी रेलिवेंट जो कोर्स है वो हॉस्पिटैलिटी का होगा, थोड़ा इजी भी होगा, हाँ तो इसलिए मैं सेंटेनियल कॉलेज में, उन्होंने मेरे को हॉस्पिटैलिटी का कोर्स दिला दिया और जल्दी ही ऑफर लेटर आ गया। मे भी मेरा 12th का रिजल्ट अभी फाइनलाइज आया भी नहीं था और मैंने अपना DMC लेके सर्टिफिकेट लेके तो अप्लाई किया और मेरा ऑफर लेटर विद इन अ वीक समथिंग आ ही गया, और उसके तो बाद मैंने हॉस्पिटैलिटी का कोर्स ले लिया था। दिमाग में कुछ था ऐसा कि सेंटिनियल नहीं कोई और कॉलेज या फिर? हाँ, तो मेन दिमाग में तो यही रखना होता है कि ज्यादातर हम गवर्नमेंट कॉलेज में ही ट्राई करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट में। तो सेंटेनियल का नाम बहुत था और हॉस्पिटैलिटी का ऐसे था कि जो आगे देखते हैं कैसा है, ट्राई करके थोड़ा कैसा होगा कोर्स। हाँ. मेन तो ऐसा होता है कि बंदा वहां पे होता है उसको खुद पता नहीं होता कि कोर्स कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो हाँ पहले कुछ भी ले लेता है आके, फिर उसको पता लगता है अगर फील्ड स्टडी करे तो उसमें बहुत स्कोप आगे बनता है। बट फिर भी हॉस्पिटैलिटी का कोर्स अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा और इजी भी था, कई चीजें भी सीखने को मिली। बट हॉस्पिटैलिटी के कोर्स में आपको बेसिक से शुरुआत करके आगे अगर मैनेजर बनना है तो उसमें काफी टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने क्या सोचा कि हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर लिया, चलो अच्छे नंबरों से अच्छे सबसे ग्रेड से अच्छे से पास हो गया, राइट। और उसके बाद पास होने के बाद मैंने ट्राई भी किया कि मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में घुसूं, हाँ बट ये इंडस्ट्री है जो बहुत फास्ट है और एकदम ही आपको कोई मैनेजर नहीं बनाता। हाँ तो उसके बाद सर्विंग का करके और टिम होर्टन्स में लगा मैं अपने कॉलेज के ही जरिए, हाँ बट वो काफी ही ज्यादा फास्ट फूड इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा मतलब आपसे रिक्वायरमेंट मांगती है फिजिकली, और उसमें प्रोग्रेशन है जो बहुत धीमे होता है, इसलिए फिर मैं अपना वो छोड़ के पहले फिर मैं सिक्योरिटी में लगा क्योंकि वो कंफर्टेबल रही, और हाँ उसके बाद फिर मैं सिक्योरिटी के बाद मैंने एज अ कलेक्शन एजेंट भी काम किया, हाँ तो उसी में मैं वर्क फ्रॉम होम करता था एज अ कलेक्शन एजेंट। फिर उसके बाद मैं कॉन्सेंट्रिक्स में लगा और हमारा एक क्लाइंट है, मैं ऐसे उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो अब मेरे को 19 और 20 डॉलर पे मिलती है हाँ और बढ़िया है, मतलब बैठ के करने वाला काम है। तो उसके बाद देख रहा हूँ कि किसी बैंक वगैरह में लगे जहाँ पे और भी बढ़िया सैलरी है, और आईटी का भी कुछ करने की सोच रहे हैं, आईटी का कोई कोर्स करते हैं और देखते हैं बाद में क्या बनता है उसका भी। तो कभी मतलब सब सबको ये पता होता है कि लोन कैसे लेना है, फिर वीजा के लिए कैसा प्रोसेस है, क्या है करने, बट मोस्ट ऑफ द लोग को ये नहीं पता होता कि कनाडा आने के बाद क्या करना होता है. सो आपका कैसा दिन रहा इनिशियल डेज ऑफ कनाडा, मतलब आपने एकोमोडेशन कैसा ढूंढा एंड देन बाद में खाने पीने का लाइक आपने कैसा एडजस्ट किया होगा?
बिल्कुल बिल्कुल शक्ति भाई, जैसे कि हम घर छोड़ के आते हैं ना, हाँ कंप्लीटली बिल्कुल ही सब कुछ ही चेंज हो जाता है हमारा, ए टू जेड सब कुछ। तो मैं भी बहुत छोटा था, मैं 19 साल का ही था तब जब मैं आया। तो पहले भी मैं कभी घर से बाहर इतना रहा नहीं, ठीक है। तो मैं जब घर छोड़ के आया, होपली कि मेरे बुआ जी का लड़का यहाँ पे ऑलरेडी था ब्रैम्पटन में, तो उसने मेरे को रखा 1 महीने के लिए। वो कह रहा था कि आगे भी रहो, बट मैंने सोचा कि अपना आगे कॉलेज के पास घर लेना चाहिए या कैसे, मैं सोचता रहा काफी। तो मैं फिर किसी लिंक के थ्रू के, क्या होता है कि यहाँ पे दोस्त बहुत काम आते हैं, राइट। तो आपके ऐसी जब जाओगे आप कॉलेज में, कोई भी बंदा जाता है अपने पहले दिन के बाद दूसरे दिन के बाद, तो कहता है कि उसके उसी के जैसे अपने दोस्त मिलते हैं, राइट। तो कहता है कि मैं कॉलेज वाले रूममेट्स ही बना लूं अपने, इनके साथ ही घर ले लूं, कि अकोमोडेशन भी सही हो जाएगा, सबका हेल्प भी हो जाएगा स्टडी में। तो ऐसे ही देखते मैंने घर ले लिया, बट मैं ब्रैम्पटन में ले लिया घर। तो वहां पे ब्रैम्पटन से स्कारब्रो मैं बस में जाता था 2.5 घंटे का सफर करके। तो फिर समझ आया कि यार भी अकोमोडेशन वहां लो के जहाँ पे अपना कॉलेज और काम पास में हो, क्योंकि आप गाड़ी डायरेक्टली ले ही नहीं पाओगे सीधा जब आप स्टूडेंट आओगे, बहुत खर्चा होगा। तो उसके बाद यहाँ पे ऐसे तो टोरंटो में बस सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, बट फिर भी बसेस में टाइम तो लगता ही है, राइट। तो फिर मैं स्कारबरो में अपने दोस्तों के साथ घर लिया। पहले मैं ब्रैम्पटन में रहा 4 मंथ, बहुत बहुत डिफिकल्टीज थी, बट ऐसा था ब्रैम्पटन में काम मिल जाता है, मिल ही जाता है हर बंदे को, चाहे सिम पे लगा लो चाहे दूसरे वे में लगा लो। और उसके बाद जब काम मिल गया थोड़ा सा, मैं काम करने लग गया वीकेंड में, और 4 मेरा 5 दिन ही कॉलेज था, क्योंकि सेंटेनियल कॉलेज ऐसा है कि अगर आप अपना टाइम टेबल ले लोगे सही से पहले पहले, नहीं तो वो टाइम टेबल बुक हो जाते हैं। तो मेरे क्लासेस 5ों दिन थी, ठीक है। तो मैं 2.5 घंटे वन वे, ओनली वन वे, तो मैं ब्रैम्पटन से पहले कॉलेज आता, अगर क्लासेस लेट तक रही उसमें बीच में गैप रहता तो हम बैठ जाते मैकडोनल्ड सेंटेनियल के पास वाले में। उसके बाद सब अगर क्लास लेट के बाद फिर मैं 2.5 घंटे लगा के घर वापस जाता, और सैटरडे संडे फिर काम करता। तो इसी झंझट से छुटकारे के लिए मैंने सोचा एटलीस्ट मतलब मैं 2 दिन ही काम पे जा रहा हूँ, तो कॉलेज है वो मैं ज्यादा दिन जा रहा हूँ, 5 दिन जा रहा हूँ, तो मैं कॉलेज के पास घर ले लेता हूँ। फिर मैं स्कारबरो में हमने दोस्तों ने मिलके घर ले लिया। और एक चीज है कि बंदा अकोमोडेशन देख रहा है, जब तो ऐसा देखे कि अगर उसको शेयरिंग में ठीक पड़ रहा है या फिर प्राइवेट रूम में। अगर प्राइवेट रूम में रहता है बंदा, अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, बट ऐसे कि प्राइवेट रूम में आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, और थोड़े टाइम के बाद आप सिक भी फील करने लगो, मतलब कि अलोनली से फील करने लगोगे, राइट। इसीलिए आप अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ ही मैं कहता हूँ घर ले लो, या फिर एक सिंगल बेडरूम शेयरिंग में। जब मैं था लाइक 670 समथिंग सिर्फ जीएसटी आती थी, और अगर आपको काम ना मिले तब टाइम पे तो आधा खर्चा आपका इतना, अगर आपने प्राइवेट रूम लिया तो बिल्कुल कोई बचत नहीं, बल्कि आपको घर से और मंगाने पड़ जाएंगे। तो अगर सेव करने हैं तो शेयरिंग में ले लो, 300 तक का आपको कमरे का पड़ेगा, बाकी आपके ग्रोसरी और प्रेस्टो में जाएंगे। बाकी मैं अगर आप आगे तो एक्चुअली मतलब शेयरिंग में रहना ही फायदा है, मतलब जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं भी जब आया हुआ था तब मैं तीन जनों के साथ रहता था एक रूम में, और मेरे लिए तो $430 था पर मंथ, क्योंकि अभी अगर प्राइवेट देखने जाओगे तो $800 $900 तक जाता है। सही तो है, बिल्कुल सही भाई है। मेरे को अब बताओ। तो प्राइसेस लाइक बहुत खराब जा रहे हैं भाई, हाँ बहुत ही। बहुत बहुत हाई जा रहा है अभी तो रेंट, तो इस बेटर है कि मतलब शेयरिंग में रहो, वही काफी हाँ अच्छा रहेगा। तो भाई मेरे को बताओ, तुम्हारा जैसे तुमने कहा कि तुम्हारा एक रिलेटिव था यहाँ पे, तो फर्स्ट इनिशियल 1 मंथ के लिए तुम्हें हेल्प मिल गई कहीं ना कहीं से, कुछ आइडिया मिलता, तो जिनका यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है, यहाँ पे कोई है नहीं, उनके लिए तुम क्या कहोगे? आओ उनको पहले ही ढूंढ के आना चाहिए घर, या फिर यहाँ पे आके कैसा मैनेज कर? तो उनके लिए मैं ऐसे ही कहूंगा कि वो पक्का, जो मतलब जिनका कोई भी रिलेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जैसे कि वो अपने कोर्स में इनरोल होंगे, ऑफर लेटर मिलेगा,
जैसे कि कोविड टाइम पे चल रहा था राइट, आधो उन दोनों ने मतलब एक एक सेमेस्टर ऑलरेडी ऑनलाइन अपना इंडिया में सी लगाया था, तो वो अपना पार्टनर वहीं से बना के मतलब वहीं से लोगों ने सलाह करके ऑनलाइन फेसबुक मार्केट मार्केट पे देखो हाँ और जीजी पे देखो घर वगैरह, वहां से अपना घर फिक्स करके आते हैं। और यही बेस्ट ऑप्शन है फेसबुक मार्केट पे ऊपर और जीजी के ऊपर। बट आजकल क्या है यार, लोगों ने काफी मतलब स्कैम भी चालू कर दिया हाँ ऐसी बात पे राइट, क्योंकि बंदों को पता है कि अगर बंदा वो देखने नहीं आ पा रहा तो उसको कैसा भी कर चिपका देंगे जैसे मर्जी हो उसकी कंडीशन। तो बट ऐसे कि यही बेस्ट ऑप्शन है कि अगर उनके पास कुछ भी नहीं है ना साधन वगैरह, अगर वो कॉलेज की अकोमोडेशन को ट्राई करता है तो वो अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर कॉलेज की अकोमोडेशन को देखा जाए तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए वो अफोर्ड कर ही नहीं पाते हैं, जिनके मे बी जो इनके डोमेस्टिक स्टूडेंट है वो शायद अकोमोडेशन कॉलेज की बहुत प्रेफर करते हैं। मैंने देखा है मेरे काफी दोस्त थे जो यहाँ के ही थे, कैनेडियन बॉर्न थे या फिर अच्छे मतलब बैकग्राउंड से आने वाले जो सिर्फ स्टडी करने आ रहे हैं राइट, स्टडी करके घर वापस जाएंगे, वो सिर्फ फिर कॉलेज की ही अकोमोडेशन को प्रेफर करते हैं। बट अगर आपके पास कोई भी लिंक नहीं है तो फेसबुक मार्केट के ऊपर देखो, आपको पक्का कोई ना कोई अच्छा जेन्युइन जेन्युइन बंदा मिल जाएगा जो आपको अपना बढ़िया प्लेस भी दिखा देगा। हमने भी ऐसा ही किया, जो मैं हेलीपैक्स मूव हुआ हूँ यहाँ पे, तो हम देख तो कुछ सकते नहीं है आके, हमारा कोई दोस्त नहीं था यहाँ पे, अभी लिंक है ही नहीं अभी बने ज्यादा इतने राइट, अभी बना रहा हूँ लिंक थोड़ी बहुत। तो उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे बंदे देखे, एक घर देखा वो भी हमने लाइक फेस टाइम पे देखा बंदे के साथ, वीडियो कॉल पे देखा, तो वीडियो कॉल पे ही हमने घर फाइनल कर दिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, और घर मिलने का कोई वो नहीं है, जो भी बंदा यहाँ पे घर लेता है सिर्फ वो बंदे जिनकी फैमिली अच्छी है यहाँ पे रह रहे हैं, गोरे लोग हैं जो, वो घर रेंट पे नहीं देते। बाकी हर कोई अगर इंडियन बंदा घर लेता है तो वो सोचता है कि बंदा रेंट पे दे दे क्योंकि मॉर्गेजेस भी भरने हैं राइट, इवन वो बेसमेंट भी रेंट पे दे देते हैं, अपर फ्लोर भी रेंट पे दे देते हैं और अपना एक नया घर लेके वहां पे रह लेते हैं। तो ऐसा होता है, हमारा ओनर भी आप जहाँ मिले थे वो भी ऐसा ही, हमारे ओनर ने भी ऐसा ही किया हुआ था, तो ऐसे ही हो जाता है, हाँ मिल मतलब जाते हैं घर, मिल जाते हैं। हाँ जेन्युइनिटी का मतलब ये एक दिक्कत है, मतलब मेरे लिए भी ऐसी था कि मेरा भाई यहाँ पे था नहीं, तो वही है मार्केट प्लेस में या किसी जी में जाओ, जाके उनसे बात करो पहले। एंड यूजुअली क्या होता है कि तुम मंथ एंड के बीच, मंथ के बीच में जा रहे हो, जैसे 15, अभी समझो सितंबर है, 15 सितंबर को जा रहे हो या तुम 20 सितंबर को लैंड कर रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा रूल नहीं होता है कि मैं 10 दिन के लिए आ रहा हूँ तो 10 दिन के लिए पे करना है मुझे, नहीं ऐसा नहीं होता, एक्चुअली पूरे महीने के लिए पे करना पड़ता है यहाँ पे, फर्स्ट मंथ लास्ट मंथ दोनों देना पड़ता है, ताकि वो एक डिपॉजिट जैसा हो जाता है एंड उनके लिए भी, ओनर के लिए भी एक ये हो जाता है कि हाँ ये बंदा फॉर श्योर आएगा। और उसी तरह तुम जैसे जैसे बात करोगे तब समझ में आएगा जेन्युइनिटी है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं बंदा, बिल्कुल, बाकी क्योंकि अब हाँ यहाँ पे हैलीफैक्स में हमने क्या देखा कि अगर आप गरीबन देखना भी है, मेरा दोस्त फिर थोड़े दिन पहले ही वहाँ पे यहाँ पे मूव हो गया था जहाँ मूव होना था उससे पहले, और वो कहता मैं तेरे लिए घर देख के आता हूँ ठीक है, तू बस मेरे को घर बता दे। तो घर देखने के लिए भी एप्लीकेशन फीस मंगा रहे थे, भी आप हाँ 200 डॉलर मेरे को एप्लीकेशन फीस भेजो, मैं अपने ओनर को भेजूंगी और अगर एप्लीकेशन फीस अप्रूव हो गई तो आपको घर देखने को मिलेगा, वरना आपकी रिफंड कर देंगे। वो बिल्कुल ही लाइक स्कैम है वो ठीक है, उस चीज में मत फंसो। अगर बंदे को नीड है तो आपको वो जरूर घर देखने को बुलाएगा, और 5-6 बार बुलाएगा, चाहे जितने मर्जी बार बुलाए है ना, 5-6 लोगों को बुलाए, जितने मर्जी लोगों को बुलाए, बट पहले किसी को अपने पैसे मत दे दो हाँ और चेक करो उसका क्या सीन है राइट, उसकी इंस्टाग्राम या उसकी फेसबुक में जाके उसकी पोस्ट चेक करो कि वो बिल्कुल न्यू यूजर तो नहीं है ना जिसने स्कैम करने के लिए ये चीजें बनाई हो, और उससे बात करो, पर इन पर्सन जाके बेस्ट है। अगर आपका दोस्त भी देख जाता है वो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट कोई प्रूफ तो होगा, वरना उसके पास मैंने देखा है कई लोग ऐसी जो बेसमेंट और जो मतलब अपार्टमेंट्स है पहले ही बुक्ड होते हैं ना, वो बस फोन पे डील करते हैं, पैसे इंटरेक्ट करवा लेते हैं अपने अकाउंट में और कहते हैं, फिर जो बंदा जाता है देखता है यहाँ पे तो ऑलरेडी कोई रह रहा है। तो हाँ ऐसे स्कैम्स स्कैम्स से बचो, अगर कोई भी अगर आपका दोस्त है वो आपके लिए देख सकता है, जैसे आपके केस में था ना, हाँ आपके दोस्त पहले देख के गए। चलो हाँ अगर आप
इन पर्सन खुद आओ, आपको घर पसंद नहीं लगेगा तो आप आके चेंज कर सकते हो, राइट। आप 1-2 महीने, 2 महीने तो आपको रहना ही पड़ेगा, इवन के आपकी लीज हो ना तो आप 2 महीने का पहले नोटिस देके कोई भी लीज छोड़ सकते हो। बाकी अगर स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन लगाई है ओनर ने तो वो डिफरेंट चीज हो जाती है, बट आप घर चेंज कर लो अगर आपको अच्छा नहीं लगता, राइट। बट आप स्कैम से तो बच जाते हो इस तरीके से। मतलब यही है कि थर्ड पार्टी कुछ रहेगा तो उससे ना ही बात करो, डायरेक्ट ओनर से बात करने ट्राई करो। सही और फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, कॉलेज का एक्चुअली एक ग्रुप बन जाता है, कॉलेज चालू होने से पहले एक कॉलेज का ग्रुप बन जाता है, तो देखो फेसबुक में वो ज्वाइन कर लो एंड कोई किसी ना किसी को फ्रेंड्स बना लो, ताकि तुम्हें कोई ना कोई रहे यहाँ पे आके देखने के लिए। तो इसी इसी सही तरीके का बात प्रोसेस है, सो जस्ट देख के करो जो भी कर रहे हो। अभी मुझे एक बताओ, आपने पार्ट टाइम किया, ठीक है, आपने टिम हॉर्टन्स में काम किया, फिर सिक्योरिटी पे काम किया एंड बाद में आपने एक कलेक्शन एजेंसी में भी काम किया, तो फैक्ट्री ये, में भी काम किया हाँ फैक्ट्री में भी बहुत काम किया एक्चुअली, वो अलग है काम पर किया। ये सब जॉब्स कैसे मिला, मतलब कनाडा में जब फर्स्ट आए तब जॉब्स ढूंढना कैसा, कितना इजी रहा तुम्हारे? तो बेसिक मैं दो चीजों में समझा देता हूँ, जॉब्स कैसे लेनी है आपने। अगर आपकी कैश जॉब है, वो अगर आप बहुत ही लकी हो मतलब, तो वो कजीजी में से मिल जाएगी आपको, या फिर और उसका दूसरा मेन चीज कैश जॉब मिलती कैसे है, ओनली विद रेफरेंस, ठीक है, वो तो ऐसे ही मिलेगी। दूसरी जॉब्स हैं, अगर सिन वाली जॉब्स हैं तो पार्ट टाइम मुश्किल होती है, क्योंकि बंदे देखो हर कोई फुल टाइम चाहता है ना, एम्प्लॉयर भी, तो पार्ट टाइम थोड़ी मुश्किल होती है ढूंढनी। बट आपको अगर फुल टाइम मिलती है तो आप वो इंडीड से देख सकते हो, मैं तो सारी जॉब्स इंडीड से देखी ना। और डिपेंड करता है आपके एरिए पे, आपके एरिए में कौन सा कैसा काम है। ब्रैम्पटन में बहुत ज्यादा वेयर हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री वेयर हाउस में जॉब मिलना इजी है। और यहाँ स्कारब्रो में क्या था कि डाउनटाउन के पास है, तो बंदों को सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी बिजनेसेस हैं ओवरनाइट ओपन रहते हैं, तो 24 घंटे खुले रहते हैं ना, तो उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का ज्यादा काम था। बट काम सभी जगह होते हैं ऐसा नहीं है, बट इस तादाद डिपेंड करती है। ब्रैम्पटन में अपने भाईचारे के लोग हैं, पंजाबी भाईचारे के, तो वो पंजाबी को इजिली हंस के काम दे देते हैं, है ना। और आपके कनेक्शन भी बहुत हो जाते हैं, ब्रैम्पटन में बहुत कनेक्शन मिल जाते हैं आपको, आपके दोस्तों के दोस्त ही आपको काम दिला देंगे रेफरेंस के जरिए, और या फिर कोई ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो मिल ही जाएगा। एंड डाउनटाउन वगैरह में थोड़ा आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है, कोई गिग्स वगैरह करने पड़ते हैं डाउनटाउन में। अगर आपको कुछ भी नहीं काम मिल रहा ना, तो डाउनटाउन में जाके आप सीधा वॉकिंग ऊबर ईट्स कर लो, मैंने वो भी किया है ना, जब हमारे पास कोई काम नहीं था तो चल के हम ऊबर ईट्स करते थे। हर दिन लगा लो आप 8-10 किलोमीटर तो चलोगे मिनिमम, और आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और उसके बाद डाउनटाउन में क्या होता है कि कईयों के इतने बड़े शौक होते हैं, नवाबी बंदे होते हैं, कि आपके घर के सामने ही शॉप है, राइट, आपने सीढ़ियां उतर के जाना है, बट वो जा नहीं पाते आप, तो आप ऊबर ईट से मंगा लेते हो। तो मैंने ऐसे ऑर्डर भी दिए हैं कि जाके बस उसके घर पे दे के आना था सामने से। और कई बार ऑर्डर दूसरे भी आ जाते हैं कि घर दूर दूर है, वैसे करने, तो ये ऊबर ईट्स बहुत अच्छा, जब मुझे लगता है कि बंदे कर सकते हैं। और अगर गर्मियां हैं तो आप साइकिल ले लो, बहुत अच्छे पैसे हैं उसमें। और गाड़ी पे थोड़ा डाउनटाउन में क्या है कि ट्रैफिक में फंसा रहता है बंदा, बट साइकिल ऊबर ईट्स के लिए बेस्ट चीज है। और काम का क्या है, मैंने कैसे काम ढूंढा, राइट, तो मेरा पहला काम मैंने रेफरेंस के जरिए ढूंढा, और वो जैसे मैंने बताया पार्ट टाइम था, राइट। उसके बाद वो मतलब एक फैक्ट्री थी, वो बहुत अच्छी फैक्ट्री ओनर बहुत अच्छा है, वो हमारा ब्रैम्पटन में था, वो पंजाबियों को बहुत सपोर्ट करता है, जो भी स्टूडेंट आते हैं तो वो वहीं पे लगते हैं, अपना पैसे पूसे सेव करते हैं, फिर अगर अच्छी जॉब मिले उनको वहां पे चले जाते हैं, बट वो इजिली काम मिल जाता है वहां पे रेफरेंस के जरिए। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार सिक्योरिटी का कर लेते हैं, क्योंकि मेरा दोस्त था एक जी पटेल नाम का, वो सिक्योरिटी में लग गया आके, है ना, तो मैंने भी लाइसेंस बनवाया और सिक्योरिटी में लगा। पहले सिक्योरिटी की भी थोड़ी किस्में अलग होती हैं, तो मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ कि एक सिक्योरिटी होती है कि कंसीएज वगैरह ना, जो बैठ के करने वाली होती है, दूसरी सिक्योरिटी होती है टैक्टिकल गार्ड की, जो खड़े रह के किसी स्टोर के बाहर होती है, तीसरी होती है कि आप
पेट्रोल सुपरवाइजर हो या वो सिक्योरिटी हो कार वाले, ठीक है, इनके पास कार है, उसने बस बिल्डिंग का पेट्रोल करना है भी कैसे है, या डिफरेंट लोकेशन में जाके दूसरे गार्ड्स को असिस्ट करना है। तो मैंने पहली दो की हुई है विदाउट कार वाली, दोनों की हुई है मैंने। तो पर कॉन्सीज कॉन्सीज और पेट्रोल तो मतलब जाते ही नहीं मिलती है ना उसके लिए, तो पहले तो तुम्हें टैक्टिकली मिलता है ना? नहीं, मिल जाता है कंसीज भी, इजीली मिल जाता है। अच्छा तो एक्चुअली कंसीज एक मिक्स ही होता है टैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग का, कि आपको बिल्डिंग का पेट्रोल करना पड़ता है, बस आप बैठे हो फ्रंट डेस्क पे, आपको मिल जाता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एंड टैक्टिकल की क्या है कि वो थोड़ी सी जो खराब होती है, तो मैं आपके आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपने, थोड़े से खतरनाक वाले और मजेदार वाले भी। तो मैं यहाँ पे वैल्यूलेज होता है थ्रिफ्ट स्टोर, यहाँ पे सेकंड हैंड यूज चीजें मिलती हैं, राइट। तो मैं वहां पे टैक्टिकल गार्ड का होता था पहले, मतलब कि मेरी 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, बहुत अच्छी यार चलती थी वो शिफ्ट। वहां पे मैं 1 बजे से मेरी शिफ्ट चालू होती थी 9 बजे तक, जब तक स्टोर ओपन था, रात के ठीक एक है। दिन नहीं, दोपहर के एक दिन। हाँ और उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे एक दिन मेरी शिफ्ट चालू होने से पहले एक इंसिडेंट हो गया। वहां पे एक बंदा आया होमलेस टाइप्स, जो थोड़ी दारू वारू पी हुई थी, उसने मेरे मैनेजर ने उसको क्या कहा कि भी बाहर चले जाओ वरना ट्रेसपास वगैरह कर देंगे। वो बाहर भी चला गया, फिर अंदर आ गया, फिर हाथापाई करने लग गया मैनेजर से। तो मैनेजर ने उसको बाहर भेज दिया। तो उस मैनेजर ने उस मतलब बंदे ने मैनेजर के ऊपर मुक्का मार दिया, ठीक है। फिर उन्होंने पूरा पैरामीटर से बाहर कर दिया, फिर कहेंगे चल भी अब आया ना पुलिस बुला देंगे। तो बंदा वहां खड़ा रहा है ऐसे ऐसे देख रहा है, अंदर आना है, जो वो हमारा डोर है वो शीशे का बना हुआ है, तो ऐसे देख ही जा रहा है, देख ही जा रहा है। तो ऐसे वो पीछे गया थोड़ा, ठीक है, फिर मुड़ा शीशे की तरफ और पूरा भाग के ऐसे सिर करके ना सामने से शीशे में घुस गया तोड़ दिया उसने शीशा। और पूरा शीशा तोड़। हाँ क्योंकि वो ऐसे ही ड्रग्स पे होते हैं ना, तो हाँ हमारा स्टोर इतना डर गया कि उसने मतलब जब से हमारा स्टोर शुरू होता है एंड तक, उसने मेरी 12 घंटे की शिफ्ट कर दी, और 12 घंटे 5ों दिन, और खड़े रहना पूरा दिन, ठीक है, A to Z टाइम खड़े रहना है, बस अपनी ब्रेक में जाके बैठो थोड़ा सा। तो ऐसे करके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। वहां पे मैं चोरों को भी पकड़ता था और ऐसी काफी चोर, और वैसे कोरोना भी आ गया था तब तक, तो मैं मास्क ऊपर करने को बोलता तो लोग ऐसे चिढ़ जाते हैं, थोड़े गोरे काले थोड़े से ऐसे चिढ़ जाते हैं, बंदे समझते नहीं है। तो ऐसे करके टैक्टिकल की जॉब थोड़ी बहुत रिस्की थी, क्योंकि कई बार बंदे आपसे आर्गुमेंट करने लग जाते हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अगर यूज ऑफ फोर्स का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उनको हाथ नहीं लगा सकते। और चोरी भी ऐसी कि अगर उनकी चोरी $1,000 या 1,500 तक नहीं है, तो आप उनको जाने दो या पुलिस बुला लो, आप उनका वे ब्लॉक नहीं कर सकते, आप निकल जाएंगे वो, ठीक है। आप उनको बस थोड़ा सा चेकिंग वगैरह कर सकते हो भी, आप मैंने जब तक आपने उनको देखा नहीं है ना भी चोरी करते हुए, आप बेसिकली कुछ नहीं कर सकते हो। तो एक तरह का ऐसे है कि सिक्योरिटी गार्ड में उसी चीज का डर है। फिर मैंने कॉन्सियज की पैरागॉन कंपनी के साथ, वो बहुत अच्छी जॉब थी, वो इतनी अच्छी थी कि बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। उसमें थोड़ा सा बंदा टाइम भी बचा लेता है, अपना फोन फोन यूज करता रहता है। वो जॉब क्या थी कि एक कमर्शियल बिल्डिंग थी, उसमें रात को सिक्योरिटी थी। तो कमर्शियल बिल्डिंग तो मतलब लगा लो आप 12 बजे के बाद सब उसका बिजनेस बंद हो जाता है, पूरी बिल्डिंग में मैं अकेला हूँ और सारे कैमरे वैमरे चेक करने हैं, अगर कोई आया तो बस उसको थोड़ा सा एक्सेस देना, दैट्स इट। वो बहुत अच्छी जॉब थी। फिर मैं उसके बाद इंडिया चला गया, तो मैंने इंडिया जाने के थोड़ा टाइम पहले ये जॉब छोड़ दी थी कंसियज की। तो मैं एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कंसियज बना, वो शेरबोर्न डाउनटाउन के पास, बहुत वो ऐसा नहीं कि कंसियज की जॉब हमेशा अच्छी होती है, लोकेशन पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो उसके बाद मैं बैठा, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऐसी थी ना कि आपको कुछ भी देखने को मिल सकता था वहां पे। एक दिन क्या है कि हमारा सुपरवाइजर था वो गुजराती था, तो उसने एक बंदे को बाहर निकाला, होमलेस वगैरह था जो ड्रग्स वगैरह कर रहा था। तो
उसको बाहर निकाला थोड़ा, तो वो हमारा सुपरवाइजर थोड़ा सा ताव में आके बोला ना भी चला जा यहाँ से, तुम्हारा देख लेना तू। तो ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि उसने क्या किया, उस बंदे ने चाकू निकाल के उसके ऐसे रख दिया। मैं भी वहां पे खड़ा था, मैं कहा सॉरी 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 सॉरी, वो भी सॉरी सॉरी करने लग गया। ठीक है, उसको काम डाउन किया, तो हमने वो गालियां वगैरह दे रहा था, हम पीछे हट गए, बैक ऑफ कर लिया और पुलिस को बुला लिया। तो पुलिस ही वहां पे डाउनटाउन में इतना कुछ करती नहीं है, क्योंकि उनके लिए रोज की बात हो रही है ये। और ऐसे ऐसे मतलब थोड़ी डेंजरस भी हो जाती है जॉब, देखो वहां पे वो खड़ा बंदा वो कांप गया पूरा एकदम, है ना। इतना आपको पे भी नहीं करते कि आप अपनी दांव लाइक जान दांव पे रखो ना, तो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर भी। बट सिक्योरिटी का काम बहुत अच्छा है, मैं किसी को ऐसे डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आप अच्छी जगह पे काम करो, सिक्योरिटी का बहुत अच्छा रहता है, अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं। बंदा जब मैं वो बिल्डिंग में था, तो हमारा मैनेजर इतना बढ़िया था, जो बिजनेस बिल्डिंग की बात बताई आपको, कि वो टी कॉफी ला के देता हमको ना, अच्छे से हाल चाल पूछता, बहुत बढ़िया जॉब थी उसका। फिर उसने इंक्रीज भी कर दिया था पेरे, बट कुछ रीजन की वजह से मैंने छोड़ दी। इसके बाद फिर मैं ऐसे करते करते सिक्योरिटी की छोड़ दी, ये छोड़ दी, तो मैं फिर मैंने कहा अभी थोड़ा बहुत रिलैक्सिंग सी जॉब करनी है, क्योंकि अगर आप कनाडा में आओगे ना, तो आप पहले अच्छे से कर लोगे सारा काम, फैक्ट्री वर्क कर लोगे, जो भी आप में एनर्जी होगी आप करते रहोगे करते रहोगे। जब आप छोड़ के एक बार वर्क फ्रॉम होम करने लग गए, फिर आप वापस जाने में आपको बहुत दिक्कत होगी फैक्ट्री काम में। या अगर आप सेम, अगर जैसे आप भाई आप कर रहे हो अभी है ना ऑफिस जॉब जैसे, तो अगर आप अभी फैक्ट्री का काम करने लगोगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो नहीं। इसीलिए फिर मैं वो काम करता रहा, इवन के मेरा उन्होंने पीआर के लिए चलो लेटर तो बना दिया, मेरे फिर भी पॉइंट्स नहीं पूरे हो रहे थे। फिर भी बंदा कंफर्ट जोन में एक बार फंस जाता है ऐसे कामों में, तो फंसा ही रहता है। तो बट फिर भी क्या हुआ कि मेरे को यहाँ पे अच्छी जॉब मिल रही थी हैलिफैक्स में, $19 में, बेसिक पे यहाँ की इवन अगर 14 समथिंग है, बट फिर भी यहाँ की वो बहुत अच्छी जॉब थी मेरे पुराना एक्सपीरियंस मिला के। तो इसी वजह से हम यहाँ मूव हो गए कि पीआर के लिए, बाकी कलेक्शन जो मिल जाती कलेक्शन है। कलेक्शन एजेंट वाले जॉब कैसे मिला तुम्हें, ये जो तुम करते थे पहले? कलेक्शन एजेंट की जॉब जैसे यहाँ पे एक मेरा दोस्त है राहुल भाई नाम करके, वो दिल्ली का बंदा है, बहुत अच्छे उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, सारी जगह बहुत अच्छी है ना, वो उन्होंने जुगाड़ करके वो कहते हैं यहाँ पे कलेक्शन एजेंट की जॉब है, अगर आप लोगोगे तो वो आपको नोक बी का लेटर भी देंगे और सब कुछ लिख के देंगे। नोक बी हमें चाहिए था, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स बढ़िया पूरे हो जाते, और मैंने आईएलटीएस भी कर ली थी, 777-8 आ गए थे। बट फिर भी प्लस टू के बाद, मैं आगे बताऊंगा आपको भी क्या करना चाहिए, पूरा स्ट्रिक्टली मैं डिस्क्लेमर दूंगा भी क्या करना चाहिए बंदे को, वरना अपना टाइम मेरे जैसे वेस्ट ना करे। नहीं, हाँ, नहीं वही तो, मतलब वही है ना कि रेफरेंस मायने रखता है यहाँ पे, काम चाहिए रहे। रेफरेंस बहुत मायने रखता है, अगर ऐसी कोई बात नहीं है, रेफरेंस सच में मायने रखता है। और एक चीज रखती है कि कंपनी की नीड क्या है, कंपनी की नीड जब पूरी होगी तो आपको वो निकाल भी सकते हैं, है ना। बट अगर आपकी रेफरेंस है तो बहुत अच्छी चीज है वो, लगाओ ना, कनेक्शन बनाओ यहाँ पे आके, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करो, कॉलेज में बातचीत करो, उनके दोस्तों से बात करो, दोस्तों के दोस्तों से, तो बहुत जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि हमारे कई बंदे ऐसे होते हैं शातिर होते हैं, कई हमारे जैसे होते हैं कि बात नहीं करनी किसी से, सीधा जाके पूछना नहीं ना, तो ऐसे हम यहाँ पे, ऐसा कैनेडा नहीं है, आपको बात करनी तो सिखाई देता है बंदों से, और आपके कनेक्शन बन ही जाते हैं धीरे ना धीरे। और तुमने जैसे कहा था, मतलब तुम्हारे साथ एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक बंदे ने हाथापाई किया तुम्हारे साथ। अभी क्या क्या होता है ना कि हम रहते हैं अपने इंडिया के जोन पे कि यार तू आके मारेगा, मैं भी आके तेरे को मारूंगा, पर यहाँ पे वो होता नहीं है ना एक्चुअली। यहाँ पे क्या हाँ है कि तुम दूर आए हो, काफी दूसरे देश में आए हो, यहाँ पे कोई बंदा तुम्हें अटैक करने आ रहा है, तुम्हें मारने आ रहा है, तो तुम पीछे रहो, मतलब तुम उस ताव पे मत जाओ कि यार मेरे मेरे जगह पे बड़ा आदमी था तो मैं यहाँ पे आके मारूंगा वही है तुम्हें। भाई, बट ऐसे भी है कि आप बिल्कुल भी दबके मत रहो, हाँ, दबके मत अपने रहो, आप को डिफेंड करो, डिफेंड भागो वहां से, भाग लो, बेस्ट चीज है, और क्या है भागना ही बेस्ट चीज है, और तो क्या है, तुम हमको हाथ लगाएंगे तो हम पे वापस केस मारने जाओगे लगेगा। तो तुम्हारे लिए वो बड़ा, मतलब हाँ, काफी तेज आपके मिलेगा। फैमिली फैमिली
बहुत आपके पीछे है ना, उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ खोया है, पूरी जिंदगी की कमाई लगाई है हम पे, तो इतने तो बंदे समझदार हो ही जाते हैं यार, बदमाशी छोड़ देते हैं यहाँ पे आके, अच्छे बन जाते हैं। और जिन बंदों को हम स्कूल में, मैं ऐसे सब कहता था कि इनसे बदमाश कोई नहीं है ना, इनको फैमिली का कुछ नहीं पड़ा, वो यहाँ के डबल डबल शिफ्ट लगा के घर पे पैसे भेजते हैं, तो बहुत कुछ सिखा देता है कनाडा, मजबूरियां है ना सब कुछ, तो अच्छा होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पे बंदे आके बिगड़ जाते हैं, दारू नशे में लग जाते हैं, बट यहाँ पे आके ऐसा है कि आपको काम तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो आप घर वालों पे बोझ बनोगे, वो घर से पैसे मंगाओगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे, दोस्तों से उधार ले लोगे, वो दोस्त आपका फोन भी नहीं उठाएंगे बाद में कभी भी, हाँ यार पैसे ही मांग रहा होगा, है ना। तो ऐसे करते करते आप अपने हर एक ऑप्शन को बंद कर लोगे, आपको फिर अल्टीमेटली रियलाइज होगा कि यार अब तो काम करना ही पड़ेगा, क्यों ना वही काम पहले कर लें और पैसे सेव कर लें। हाँ तो ऐसे बदमाशी के चक्करों में अगर आप केस पड़ गया ना आप पे, तो आपकी पीआर बहुत ही बहुत खतरे में हो जाती है, इसमें से बहुत निकलना भी खतरे। काफी मुश्किल हो जाता है फिर, मतलब अगर बहुत। आप पे केस पड़ गया, देखो यहाँ पे लॉयर्स आपको कह देंगे, दिलासा दे देंगे भी हम निकाल देंगे, बट वो लॉयर की फीस पर मंथ लाइक $1,000 $1,500 चली जाएगी आपकी, तब तो आपको वही जो काम, अगर देखो आप अगर स्टडी भी नहीं करोगे ना अच्छे से, फेल होते रहोगे, तो वही स्टडी अगर आप नया कोर्स लिया समझो ना। तो एक बंदे की मैं स्टोरी बताता हूँ कि घर की मजबूरियों के कारण उसने क्या किया कि स्टडी पे इतना फोकस नहीं किया, काम पे फोकस किया ना, बहुत सही दिल का बंदा, बहुत अच्छा था है ना, मेरा दोस्त था एक, तो उसने काम पे फोकस किया, स्टडी छोड़ दी, तो वो पैसे कमाता गया, घर पे बेचता गया, थोड़े बहुत लोन थे जो भी कर्जे थे वो निकालता गया, बट इन द एंड के वो फेल हो गया, तो उसको सप्ली की फीस भरनी पड़ी है ना। अब सप्ली की फीस क्या, जितना उसने कमाया उतना उसको और कमाना पड़ेगा, और अब उसका टाइम और डिले हो गया पीआर लेने का, अब उसको वर्क परमिट के लिए वेट करना पड़ेगा, लॉयर को डील करना पड़ेगा, अब लॉयर उससे और पैसे भरेगा मांगेगा ना, तो लॉयर का खर्चा, फिर सप्लियों का खर्चा जो रिपेयर होते हैं जो भी होता है, सप्ली क्या है? हाँ सप्ली इन द सेंस के जैसे आप फेल हो जाते हो ना, तो आप उस कोर्स को दोबारा लेते हो, अगर तो आप पूरा कोर्स फेल हो गया तो आपको पूरा फिर से लेना पड़ेगा, अगर आप एक आधे सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपको वो एक आधा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो हमारे जैसे होता था 1,200 समथिंग होता था अगर थोड़े से एक एक आधे सब्जेक्ट में फेल हुए, वरना फिर आपको सेमेस्टर की फीस भरनी पड़ती है। तो ऐसा है कि बंदे को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है और जो स्टडी का बैलेंस है वो भी बनाना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि मतलब ये सिर्फ हर कोई बंदा ये सप्लियां वगैरह फेस करता है या स्टडी का प्रेशर फेस करता है, वो क्या होता है कि आपके कॉलेज पे बहुत डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ की एक चीज सीखा कि रेपुटेशन कॉलेज की कोई इतनी मायने नहीं रखती, आप कॉलेज देखो जो लोकेशन जिसकी बेस्ट हो, जिसके आसपास काम हो, जो 2-3 दिन लगे मैक्सिमम और पढ़ने में इजी हो, और कोर्स ऐसा देखो कि बिल्कुल भी मतलब स्ट्रेसफुल ना हो, क्योंकि यहाँ पे फील्ड स्टडी है, जो बंदा बहुत दिमाग वाला पीछे इंडिया से जो मास्टर्स वगैरह करके आते हैं वही जो फील्ड जॉब करते हैं राइट, जो बाकी बंदे हम जैसे आते हैं हमारी जॉब कुछ और होती है और हमने स्टडी किसी और चीज में की होती है, तो वो मायने नहीं रखती। मेन देखो अभी आ रहा था मेरा एक दोस्त आया, मेरा अभी फोन आया उसको, वो कहता है मैं नोवा स्कोशिया में किसी रिमोट विलेज में मेरी यूनिवर्सिटी है और उसकी 3 साल की डिग्री है और इतने पैसे हैं उसके, कहता मैं चेंज करना चाहता हूँ अभी, तो वहां अगर रिमोट विलेज में उसको गया वो बंदा, इवन के वो चेंज करेगा उसके पैसे तो जाएंगे थोड़े ना थोड़े जाएंगे कॉलेज चेंज करने के, अगर वो स्टडी कंटिन्यू करता है उसको 3 साल वहां रिमोट विलेज में रहना पड़ेगा जहाँ पे कोई काम नहीं है। हाँ, तो कभी तुम्हारे पास स्मार्ट सर्व है ना, तो स्मार्ट सर्व तुमने कब लिया था और किस किस रीजन के लिए लिया था? तो स्मार्ट सर तो मेरा भाई मेरे कॉलेज वालों ने दिलाया था, क्योंकि मेरे एक कोर्स की रिक्वायरमेंट थी तो हमें ऑलरेडी कोर्स में इंक्लूडेड था स्मार्ट सर्व, और हमारा ही एक क्लास भी लगती थी फूड एंड सेफ्टी वाली,
और स्मार्ट सर्व के अलावा फूड हैंडलर का भी सर्टिफिकेट हमें जरूरी था, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी कोर्स का वो रिक्वायरमेंट था। बट वो अच्छी चीज है, होने होना मतलब बढ़िया है। अगर आपने अगर कुछ सिक्योरिटी इवेंट में भी होती है ना, जहाँ हाँ पे अल्कोहल वगैरह सर्व होती है, तो वो भी आपको स्मार्ट सर्व चाहिए होता है, या फिर अगर आपका पार्ट टाइम कोई सर्वर लगे हो आप सर्विंग के लिए भी स्मार्ट सर्व चाहिए, और बार टेंडर की जॉब के लिए तो रिक्वायरमेंट है ही, मस्ट है। तो अच्छा अभी ये बता ना, तुम ब्रैम्पटन में रह चुके हो, तुम स्कार्बरो में भी थे, तो ब्रैम्पटन और स्कार्बरो के बीच में फर्क क्या है, मतलब लाइफस्टाइल हो या फिर कुछ खाना पीने का हो? है काफी फर्क है भाई, जैसे कि ब्रैम्पटन में आप खाने पीने का देखोगे बाहर से तो बहुत ऑथेंटिक पंजाबी फूड आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा। ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा में, स्कारबरो में आपको हर तरह का फूड मिल जाएगा, हर तरह के कल्चर का फूड मिल जाएगा, जैसे गुजराती साउथ इंडियन हो गया ना, पंजाबी भी है अपने काफी, और दूसरा फूड सिंधी फूड हो गया, जो जैसा मर्जी फूड हो गया। बट ब्रैम्पटन की स्पेशलिटी है कि वहाँ पे पंजाबी फूड तो बेस्ट मिलता ही है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और ब्रैम्पटन में क्या है कि वर्क कल्चर बहुत ही ज्यादा है, स्कारबरो में आप जाओगे अगर थोड़ी सी पार्टी लाइफ है, ब्रैम्पटन में पार्टी लाइफ कैसी है कि वो ब्रैम्पटन में अगर हमारा वीकेंड हुआ तो बंदे घर पे बैठ के मतलब पार्टी वार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। स्कारबरो में क्या है, डाउनटाउन पास में है तो बंदा क्लब वगैरह चला जाता है या कहीं और ना डाउनटाउन घूमने ही चला जाता है, क्योंकि डाउनटाउन की स्ट्रीट्स में हर वक्त रौनक तो रहती है। तो ये तो मेन कल्चर है ही उनका कि स्कारबरो में थोड़ा काम कैश में मिलना बहुत मुश्किल है, और ब्रैम्पटन में इजीली आपको कैश पे काम मिल जाता है, तो बंदे 7-7 दिन भी काम कर लेते हैं, और साथ वाले जो आपके होते हैं ब्रैम्पटन में वो काम करते हैं, गाड़ियां लेते हैं, इवन वो स्टूडेंट होते हैं तो आपको भी होता है हमने, है ना। तो वहां पे ऐसे करते करते बंदा काम भी 7 दिन करता है और गाड़ी भी ले लेता है ना, और थोड़ी सी शो ऑफ वाली लाइफ होती है, हर बंदा नहीं ब्रैम्पटन में ऐसे कह रहा मैं शो ऑफ होता है, बट वैसे अगर गाड़ी बंदा लेता है तो वो भी हिम्मत करके लेता है ना। तो ये मेन चीज है कि ब्रैम्पटन में बंदे के पास मतलब काम की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं ब्रैम्पटन के लोग। स्कारबरो के लोग वैसा ही काम करते हैं, थोड़ा सा इजी काम ढूंढ लेते हैं सिक्योरिटी वगैरह में, और ज्यादा क्लबिंग वगैरह में जा जाते हैं, ये चीज रहती है वहां पे थोड़ी। मतलब तुम जब ब्रांटन में थे तब तुमने आई मीन तुमने काफी सारे कांड तो देखे रहे, और तुम्हारे साथ कोई कांड हुआ था ऐसा स्पेसिफिक कुछ याद हो? कांड तो मैं अभी पब्लिकली कैसे होता तो कांड तो होते ही रहते हैं ब्रैम्पटन में, अगर शेरिटन प्लाजे चले जाओ आप एक बंदे को भी ऐसे घूर के देख दो तो कांड हो जाएगा, आपके साथ हो जाएगा या इसके साथ हो जाएगा। तो थोड़ी सेफ्टी रखनी पड़ती है ब्रैम्पटन में, क्योंकि ब्रैम्पटन में हमारे ही जैसे लोग रहते हैं ना, और वो बिल्कुल भी बात नहीं सहते कोई भी, है ना। तो थोड़ा सा वहां पे ऐसा है कि अपने दोस्तों में रह के बंदे थोड़ी ज्यादा खुलते हैं, और ज्यादा हमें होता है कि हाँ हमारा ग्रुप है, तो ऐसे करके है कि जैसे मर्जी लगा लो कि हमारे दोस्त थे कोई, तो उनके साथ मतलब वो खुद लड़ाइयां नहीं लेते थे, हो ही जाती हैं लड़ाइयां ब्रैम्पटन में असल में। और ब्रैम्पटन की थोड़ी सी ड्राइविंग भी ऐसी है बंदे की, अगर ब्रैम्पटन में बंदा गाड़ी चलाता है तो एक ना आधा रूल तो तोड़ता ही एक दिन में। अच्छा तो अभी अभी तुमने प्रोविंस ही चेंज कर लिया एक्चुअली, तुम अभी दूसरे ही जगह पे चले गए, मतलब क्या मेन रीजन था, क्यों तुमने चेंज किया और किस रीजन की वजह से? तो मेन रीजन था कि पीआर के लिए ना, हाँ मैं पहले सारे काम करता गया, कलेक्शन एजेंट में भी मैं 1 साल पूरा डट के लगा रहा पीआर के लिए, बट स्कोर अभी नीचे नहीं आ रहे हैं। और फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे ही करते करते वर्क परमिट खत्म हो जाएगा, और बंदे के पास क्या ऑप्शन बचेगी कि 10,000 12,000 तो मिनिमम है, 10,000 12,000, 20,000 दे के बंदे LMIA ले रहे हैं, तो वो चीज से बचने के लिए मैं इधर PNP लेने के लिए आ गया। यहाँ पे PNP भी मिलती है और AIP भी मिलती है, तो AIP है जो मेन, उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो उसके लिए बस जो मेरा एम्प्लॉयर है वो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है,
और उसके साथ मैं 6 महीने काम करूंगा तो मुझको एंडोर्समेंट वगैरह दे देगा, लेटर, एंडोर्समेंट लेटर होता है। उसके बाद मैं एपी फाइल करने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। एक मतलब 6 महीने और काम करूंगा यहाँ पे, अपनी फाइल लगा लूंगा पीआर की, और बस ऐसे ही पीआर हो जाऊंगा इजी। सही है यहाँ पे। मैं तो ऐसे कहता हूँ कि अगर नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो सीधा यहीं का कॉलेज लेके आओ, नोवा स्कोशिया में, हेलीफैक्स में ले लो, क्योंकि हेलीफैक्स में थोड़ी चहल पहल है। हेलीफैक्स और डार्टमाउथ में ले लो, और कॉलेज खत्म होने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। मे भी लगता है एआईपी का, मेरे को स्पेसिफिकली नहीं पता, बट कॉलेज यहाँ का होने का फायदा ही है, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो आप फेमिलियराइज हो जाओगे एरिया से, है ना, अच्छे से। और आपका कॉलेज खत्म होने के बाद एक एम्प्लॉय ढूंढो और जल्दी से जल्दी पीआर हो जाता है बंदा। एक्चुअली सबको लगता है कि यार डाउनटाउन टोरंटो में ही काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस है तो हमें वहीं पे लेना चाहिए, बट देन जैसा तूने कहा कि हैलिफैक्स में भी अच्छा कॉलेज है, तो यही है कि दूसरे दूसरे कॉलेजेस दूसरे दूसरे प्रोविंसेस में भी देखो, क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। एंड क्या होता है कि बेनिफिट क्या है कि अगर दूसरे प्रोविंसेस में जाओगे तो पीआर इजीली मिल जाता है, लाइक ड्यूरेशन जो है पीआर मिलने का वो थोड़ा कम हो जाता है, एंड शॉर्ट टाइम पे मिल जाता है। या मैं सीधा सीधा ऐसे बता रहा हूँ कि प्लस टू के बाद आए हो आप, अगर ओंटारियो में, अगर ब्रैम्पटन स्कारबरो में आए हो, चाहे आपका 2 साल का कोर्स भी है ना, उसके बाद आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होंगी पीआर लेने के लिए। एक तो अगर आपका स्कोर नीचे आता है तो गुड लक है ना, अच्छा है आपके लिए। दूसरी चीज है एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर कह रहा हूँ मैं, अगर वो नीचे आता है तो आप अपनी फाइल लगाओ। आप अगर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, या अगर कोई TR2PR जैसा प्रोग्राम आता है वो लगा लो ना। दूसरी चीज है कि ONP होती है, ओंटेरियो की स्किल ट्रेड वर्कर के लिए, जिसमें प्रोफेशंस होते हैं वेल्डर, बुचर जैसे, जिसमें स्किल स्किल इन्वॉल्व होती है ना। और वेल्डर हो गया, पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, वायर टेक्नीशियन हो गया, ऐसी चीजें जो जो ये काम होते हैं जो उसके अंदर आप 1 साल वहां पे काम करो, और उसके बाद आपकी पीआर जल्दी से जल्दी उसमें बहुत अच्छी आ जाती है। वो पीएनपी है, सेम ओंटेरियो के लिए ONP, और वही लास्ट ऑप्शन बचता है आपके लिए। वरना उसके बाद आपको तो मूव होना ही पड़ता है AIP के लिए, PNP के लिए, किसी और प्रोविंस में। हाँ अच्छा, अब ये बताना कि इंडिया के बारे में क्या मिस करता है। आई मीन पापा मम्मी को तो मिस करता ही रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम पापा मम्मी और क्या मिस करता है? क्योंकि मैंने सुना था तेरा एक पेट भी था वहां पे, तो तूने सोचा है यहाँ पे पेट हाँ है? भाई, पेट था हमारा, मेरा कुत्ता है, वो भी 13 साल का हो जाएगा। बहुत टाइम से साथ में है, जब मैं छोटा था तब मेरे को पेट का बहुत शौक था, जिद करके मैं फिर उनको उसको ले गया। उसको तो मिस करता ही हूँ, लास्ट बार इंडिया गया था तो मिला, काफी बुढ़ा हो गया बेचारा ना, और उसको तो बहुत मिस करता ही हूँ। पापा मम्मी बहन को मिस करता हूँ, घर के खाने को मिस करता हूँ, वहां की ऐश को मिस करता हूँ। हर कोई बंदा वहां पे ऐसे राजे की तरह ही रहता था अपने घर पे, यहाँ पे आके हमें स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है ना, वो सारी चीजें तो मिस करता ही हूँ। बाकी ऐसा है कि वहां पे जो मम्मी पापा की जो अथॉरिटी लगती थी ना हमें भी, हाँ यार हमें क्यों बता रहे हैं, ऐसा क्यों करने को बोल रहे हैं, उस चीज को भी बंदा मिस करता है। इतनी फ्रीडम खुद अपने आप पे लेके, फ्रीडम तो है ही एक तरह की, फ्रीडम के साथ अकेलापन भी बहुत आएगा आपको, तो फ्रीडम तो आपको मिल ही जाएगी, अकेलापन भी आ ही जाएगा उसके साथ। तो पेरेंट्स के प्यार को तो बंदा, हर कोई बंदा मिस करता ही है। और पंजाब में दोस्तों के साथ जाना आना ना, वहां पे खाना, इंडिया का खाना कितना बढ़िया, देखो स्ट्रीट फूड है ना, इस कितने सस्ते में कितना बढ़िया मिल जाता है यहाँ पे, चाहे जितने मर्जी पैसे दे दो वो बात नहीं बनती है। और ये सारी चीजें बंदा मिस करता ही है, तो हाँ हर एक बंदा मिस करता है ये चीजें तो इंडिया से आके। तुमने सोचा है यहाँ पे पेट पालने का अभी? हाँ, पेट के लिए मेरे दोस्तों ने रखे थे, हमने दो कुत्ते रखे थे, एक पिटबुल था और एक अमेरिकन बुलडॉग था। तो छोटे हुए तो हम लेके आए, बहुत अच्छा था, बट उनकी एनर्जी कंट्रोल करनी इतनी मुश्किल है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल है पिटबुल और अमेरिकन बुलडॉग की, पिटबुल की खास करके, तो उसने तहस नहस मचा दी पूरा एकदम। वो यहाँ का कैनेडियन सिटीजन है, उसका बंदे का पासपोर्ट भी है कुत्ते का, सॉरी, और वो ऐसे ही मेरे दोस्त के पास है, उसका कुत्ता है अभी, वो ट्रक वगैरह में जाता है, तो
वो पूरे एकदम उसने बढ़िया अच्छे से बहुत अच्छे से पाल रहा है वो कुत्ते को। तो उस वो कुत्ता होने के कारण वो थोड़ा सा जो था कि मैं अपने कुत्ते को मिस कर रहा था, वो कमी पूरी होगी, क्योंकि वो दोनों सेम ही कलर के थे, वो सेम ही जब छोटा सा आया बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था दोनों का, लिया ना। और ऐसे करके बहुत अच्छा था, मतलब कि एक्सपीरियंस, यहाँ पे आके कुत्ता भी पाल लिया हमने, पर ना कि कुत्ता पालना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। एक चीज ये तो है कि बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप काम पे जाओगे कुत्ता आपका घर पे है ना, तो उसको देख देख करने के लिए कोई है नहीं। हमारे इंडिया में कुत्ता है तो वो तो घर पे हमारा कोई ना कोई सदस्य होता ही है घर पे उसकी टेक केयर करने वाला। यहाँ के कुत्तों का और एक चीज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, कि अगर वो किसी को काट लिया तो वो चीज बहुत आप पे बैकफायर कर सकती है, दूसरा बंदा आपको केस वेस कर सकता है और आपको सू कर सकता है उस चीज के लिए। बाकी कुत्ता रखना एक एक्सपीरियंस है, अगर आप कोई भी एनिमल लवर है उसको रखना तो चाहिए यहाँ पे एक बार कुत्ता, क्योंकि बढ़िया रहता है, इंडिया वाली चीज जो पूरी हो जाती है शौक सारे। और हाँ, मतलब कबीर के बारे में एक बात बताना था कि मतलब बंदा काफी अच्छा कुक करता है, क्योंकि मतलब कनाडा में जब मैं पहले बार आया था, मतलब स्टार्टिंग के दिनों में कबीर ने मुझे खाना खिलाया था, काफी अच्छा खाना बना था वो। तो कबीर ये बता कि कब तेरा ये खाना बनाना सीखा तूने, और कैसे सीखा, और यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट है खाना बनाना? देखो जब मैं आने वाला था तो मेरी मम्मी ने मेरे को बस रोटियां बनानियां सिखा दी थी, रोटी कैसे बनती है। तो उस मम्मी ने कहा कि बस ऐसी रोटी में कुछ ना कुछ डाल के परोंठे बन जाते हैं, रोटी खा लेगा बंदा दिन के साथ, और हाँ यहाँ पे मतलब एक दाल वगैरह सीख लो बनानी इजी है। तो उसके बाद मैं क्या किया कि हम साथ में रहते थे 10-12 लोग है ना, घर लिया होता जब मैं कह रहा था, जब मेरे कॉलेज दोस्तों के साथ नहीं रहता था, हाँ तब मैं क्या करता था कि मेरे को रोटियां बनानी आती थी और हम सभी एक साथ कुकिंग करते थे। एक बंदे की स्पेशलिटी थी कि सब्जियां बनाने में, एक बंदे की थी कि रोटी का आटा बांधने में, और मैं रोटियां बेलता रहता। तो मैं एकदम फास्ट पूरी रोटी बेल के और एक तवा लगा देते, दो तवे लगा देते थे हम है ना, तो ऐसे ही 60-60 रोटियां बेल देते हम, क्योंकि हर एक बंदे ने एटलीस्ट थोड़ी सी तो खानी होती। तो वो पैक भी करके ले जाते और एक टाइम का इतना आटा लगता, इतना आटा लगता, बट ऐसे है कि ग्रोसरी अगर शेयरिंग में थी तो हो जाती। तो ऐसे ही करते करते मैं रोटी की स्पीड फास्ट कर ली। तो उसके बाद अगर कई बार वो बंदा ना होता जिसने सब्जी बनानी है तो उससे पूछ लेता भी कैसे बनती है भाई सब्जी, तो उस हिसाब से चॉपिंग वगैरह की स्किल अच्छी हो गई, काफी तेज चॉपिंग करने लग गया। और तड़के मेन तो सब्जी में क्या ही होता है, बस एक तड़का लगाना होता है और बाकी जो भी चीज है वो डाल दे बंदा, और ऐसी हाँ सब सब्जियां बन जाती है। मेरे को चिकन का बहुत शौक था तो मैं चिकन की रेसिपी देखता रहता था, शेफ रणवीर बराड़ से, तो हाँ डिफरेंट डिफरेंट चीजें टेस्ट करता था। एक बार हाँ आपने भी शक्ति भाई बहुत हरा भरा चिकन बनाया था, वो भी मैंने देखा, पूरा धनिया काट के पूरा एकदम मिंट। तो यहाँ पे मतलब काफी इम्पोर्टेंट है ना, मतलब कुकिंग सीख के आना बहुत है। बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब खुद ही अगर आप बाहर से खाने लग गए तो आपका कुछ भी नहीं बच पाएगा। बाहर से खाना बिल्कुल परहेज करो, अपनी एक टाइम की अच्छी सब्जी बना लो, 2 दिन चलेगी आपकी। कोई भी अगर आप चिकन नहीं खाते तो हरी सब्जियां बनानी सीख लो। सीखने का क्या है भाई, वो तो बस यूट्यूब पे होती है, रेसिपी देख के बना लो, ट्राई करोगे 2 दिन अच्छी नहीं बनेगी तो फिर क्या है, फिर से ट्राई करो, धीरे धीरे आपको खुद पता लगने लग जाएगा, आप सब्जियों की रेसिपी कस्टमाइज करने लग जाओगे। और अगर आपकी सब्जी किसी ने खा के कह दिया बहुत अच्छा है तो आपको और करेगा मन, आना भी बनाओ किसी के। तो ऐसे करते करते बंदा सीख जाता है, मैं तो सिर्फ रोटी बनानी सीख के आया था, बट बाकी चीजें खुद ब खुद बंदा हर एक बंदा सीख ही जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मतलब कबीर भी रणवीर ब्रार का ही वीडियो देख के बनाता था, काफी सारा हाँ इंडिया खाना। बिल्कुल मैं भी फिर उसने ये भी कहा, मतलब कबीर ने भी ये कहा था कि उसका खुद का चैनल खोलेगा कुकिंग का। मैं भी मतलब इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो वीडियो आएगा, कब हाँ, एक चैनल आधी वीडियो बनाई हुई थी बट खोलेगा। अभी तक वो प्रोग्रेस में ही है। अभी हमने मैं फलाफल की वीडियो बनाई थी, फलाफल घर पे बनाया था मैंने, और फलाफल की वीडियो भी अभी ऐसी पड़ी है, बस टाइम नहीं मिलता कई बार बंदे को है ना अपनी चीजें पैशन फॉलो करने का। हाँ, हो गया। चलो
अब ये था कि कबीर को रैप को लेके काफी क्रेज है, ठीक है। कबीर एक्चुअली थोड़ा बहुत लिखता भी है जितना मुझे पता है, तो ये कब से शुरू हुआ तेरा रैप को लेके? रैप नहीं, मैं असल में रैप तो यार मेरे मम्मी डैडी हैं जो दोनों लेखक हैं ना, मेरे पापा के थोड़े से सॉन्ग्स भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और मेरी मम्मी बहुत अच्छी कहानियां लिखती है, मेरे डैडी भी कहानियां और सॉन्ग्स दोनों लिखते हैं, मम्मी डैडी दोनों लिखते हैं, और इसी बस ऐसे ही करते करते मेरे को ज्यादा शौक तो ड्राइंग में था पहले, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेता था, और ऐसे ही करते करते थोड़ा सा मैं सोचा कि यार पापा के जैसे लिखने लगूं, बट मैं लिख नहीं पाया, तो मैं फिर हिप हॉप सुनने लग गया, सारी बीट्स वगैरह मेरे को बहुत अच्छी लगने लगी है ना, तो हिप हॉप सुनते 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 मैं जब वहीं पे था +1 +2 में इंडिया में, तो सोचा कि कुछ ना कुछ तो करूंगा आगे जाके, म्यूजिक प्रोडक्शन में करूंगा ना, और अपने ही गाने लिखूंगा, सब कुछ अपना करूंगा। तो फिर जो बीट के लिए हमें ना असल में टैलेंट और थोड़ा सा थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए म्यूजिक की, तो थ्योरी की नॉलेज तो नहीं है, बट ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ अपना थोड़ा बहुत तो नॉलेज आई है अभी, कौन से इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं और कोर्ड्स वगैरह, ये सिंपली सीख लिया। गिटार भी ले ली थी अभी, बट वो अभी मेरी स्कार्ब्रो में ही है, अभी शिफ्ट करने वाली है, तो जब आएगी थोड़ा सा और करूंगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस, तो उससे बीट्स वगैरह बनाऊंगा। और अभी सोचा है कि कोई कंप्यूटर वगैरह लेके उसमें FL स्टूडियो वगैरह डाउनलोड करके अपना बनाए बंदा, क्योंकि यार पैशन फॉलो करना भी बहुत जरूरी है यहाँ पे, बस हम अगर इंडिया छोड़ के आए हैं कोई अच्छी लाइफ बनाने के लिए तो आए ही है ना, एटलीस्ट आपके पैशन जो भी है आप करते हो, आपके पास इतनी फ्रीडम है उसका यूज करे बंदा, तो बस उसी हिसाब से लगा हुआ हूँ। अभी भी फोन में है मेरे पास म्यूजिक सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोडेड है, गैरेज बैंड हो गया, बट वो सारी चीजें बेसिक हैं, मैं सोचूंगा अभी किसी से क्लास वगैरह लूंगा म्यूजिक प्रोडक्शन की, आगे देखते हैं कुछ बनाऊंगा जरूर, और आपके चैनल पे भी गाने वाने अरे जरूर होंगे। जरूर जरूर। एक्चुअली मुझे ना कबीर के पापा और माँ से भी, मैं सोच रहा था कि उनके साथ भी एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उनके बारे में भी सुना हूँ काफी कुछ। एंड उनका एक छोटा स्कूल भी है, उनका एक गार्डनिंग का एरिया भी है, तो मुझे उनके बारे में बात और करनी जरूर। एंड अगर आप करोगे तो मतलब कि आपको इससे डबल कंटेंट बहुत ही ज्यादा, उनके पास इतनी स्टोरीज हैं और इतना बढ़िया बोलते हैं ना वो दोनों मम्मी पापा, उनके बारे में भी बनाएंगे प्लान कोई ना हाँ, कोई, जब उनके पास समय होगा तो हम। बट मेन म्यूजिक से पहले मेरे में जिसमें थोड़ी सी परफेक्शन है वो ड्राइंग में है, ड्राइंग है, और मैं कुछ ना कुछ तो करते ही रहता हूँ, फिर मैं क्ले ले आया था एक बार, प्रोफेशन ले लिया था, उसके मैं स्कल्पचर बना रहा था, और बाकी मैं एक शूज कस्टमाइजेशन भी करने की सोच रहा हूँ भी, कहीं से शूज लेके उस पे ड्रॉ करके अच्छे से वहां पे उसको बेच भी सकते हो ना, ऐसे ही है। अगर आपकी कला है जो वो आपको पैसा कमा के देने लग जाए उससे बढ़िया कोई चीज नहीं, तो उसमें आप फोकस करो, अगर आप बोलने में अच्छे हो तो यूट्यूब कर लो, कुछ पैसे आएंगे, अगर रैप में अच्छे हो रैप लिखो, यूट्यूब पे लगाओ, कुछ बीट्स बना तो किसी रैपर को दो, अगर ड्राइंग करते हो फाइवर टाइप की ऐप होती है जहाँ पे आप कस्टमाइज ऑर्डर देते हो ना, अपनी प्राइस सेट करो और कस्टमाइज ऑर्डर करके बेचो, अगर ड्राइंग किसी और चीज में करनी है शूज का कर लो, शूज कस्टमाइज करके बेच दो, होममेड चीजें कर दो, इट्सी नाम की ऐप है उसमें यूज करो, बट जो भी है आपकी कला है जो आपको अगर पैसे कमा के देने लग जाए आप उसमें खुश भी रहते हो ना, और पैसे भी आते रहते हैं, डेवलप भी करोगे। सही है। तो कभी तुम्हें आके कनाडा 4 साल हो गया, 12th के बाद तुम आए थे, और मैंने भी तुम्हें देखा होगा ग्रो करते हुए एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो क्या कहना चाहते हो स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो भी कनाडा आना चाहते हो उनके लिए, कनाडा कनाडा आए बहुत मतलब दिल या फिर कोई भी को, इंटरनेशनल कंट्री जिनको जाना है अपना देश छोड़? हाँ, जरूर, जैसे कि इंडिया में अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं कर पा रहे हो आप, क्योंकि आजकल इंडिया में क्या वेव चल रही है कि बंदा वो बनने को क्या होता है, एंटरप्रेन्योर, आंट्रप्रनोर एंटरप्रेन्योर है बंदा, बट उनको समझ नहीं आती कि उसके लिए भी क्या
हार्ड वर्क करने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो ऐसे मत सोचो कि भी मतलब सब कुछ सही जाएगा। थोड़ी सी स्ट्रगल तो होगी और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपना माइंड स्ट्रोंग रखो, दोस्त अच्छे रखो, कंपनी अच्छी रखो, झगड़ों में मत इन्वॉल्व हो। हर दिन एक बार मम्मी पापा से बात करो, क्योंकि वो ही जो है जो बंदे हैं मेन है ना, जिन्होंने हमें भेजा है, इतना हमें काबिल समझा है। और यहाँ पे आओ, खुले दिल से स्वागत है, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। और जैसे मैं कह रहा था कि जैसे छोटी छोटी चीजों में भी बंदा पैसे कमा सकता है, वैसे ही हमने शिफ्टों के जाल में नहीं फंसे रहना हमेशा। अपनी पैसे कमाओ, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करो या कोई फ्रेंचाइजी वगैरह खोलो। यहाँ पे इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है ना। खुले दिल से कनाडा में सबको स्वागत है, बट अपना मेंटली प्रिपेयर होके आओ। काम हमें करना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में हुआ। काम के बिना आपको कोई पूछेगा नहीं है। इवन कि आपका पक्का दोस्त है, वो आपको पैसे थोड़ी प्रोवाइड कर सकता है। घर वालों पे भी उनके काफी बोझ नहीं बन सकते। बट अगर बंदा आता है कनाडा की, ऐसे नहीं है कि सिर्फ शिफ्टें लगाने आओ, खूबसूरती भी देखो कनाडा की, एंजॉय करो लाइफ, और कुछ देखने को मिलेगा, अलग अलग लोगों से मिलने को मिलेगा। और अपनी सोच है जो बहुत ब्रॉड होती है बंदे की, बहुत कुछ नई चीजें पता लगती है। स्ट्रगल होते हैं उससे एक्सपीरियंस होते हैं, धोखे मिलते हैं उससे भी एक्सपीरियंस होते हैं। तो ऐसे है कि कनाडा एक एक्सपीरियंस ही है। अच्छा, कई लोग इसको इसको बुरा बुरे तरीके से हाईलाइट करते हैं, कोई लोग इसको बहुत ही अच्छा हाईलाइट करते हैं। बट ये बस ऐसे ही है कि अच्छे बुरे एक्सपीरियंस का एक मेल है, और आपको बस चलते जाना है फ्लो के साथ ना। अपना जो भी काम कर रहे हो करते जाओ, जो भी चीज है, आप अपना पैशन भी चालू रखो, काम भी चालू रखो, और अपने घर वालों को भी टाइम दो। बस ये तीनों चीजें होंगी तो कनाडा में आपकी लाइफ सफल है, या किसी भी कंट्री में ये चीजें सफल है। हाँ जी, तो थैंक यू कबीर, आज के लिए इतना समय देके हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू और शक्ति भाई, आपने मेरे को इनवाइट किया। कोई नहीं कोई नहीं। प्रोड्यूसर या कुछ बन जाऊंगा ना, फिर और हाँ, देखना। फिर वापस हम वीडियो बनाएंगे कबीर के साथ। कबीर ने काफी कुछ प्लान किया, शू कस्टमाइजेशन, और फिर बाद में गाना लिखने का, कुकिंग का वीडियो। देखता हूँ, कबीर कबीर चैनल खोलेगा तो कबीर के चैनल पे सब कुछ आ नहीं, जाएगा ऑल एक जोक्स असाइड के भाई, शक्ति भाई लाइक कूडोस टू यू के आप कुछ ट्राई साथ। कर रहे हो। बस सभी बंदे ऐसे ही ट्राई करते रहो ना कुछ तो जिंदगी में ट्राई करना ही चाहिए। रिस्क लेके ही आगे बढ़ता है बंदा। कनाडा में भी ऐसा है, जिंदगी में भी ऐसा है, और आपके साथ बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है। आप बस वाइब अप कर देते हो। बस मैं तो इंतजार कर रहा हूँ वापस कब मिलेंगे आप, बाद में जब बैठेंगे चाय हाँ पीने जरूर के साथ। तुम्हारा तुम्हारे जरूर, खाने को फ्लाइट मिस कर वगैरह रहा तो बुक कराऊंगा ना, जहाँ जब मैं अगर आना हुआ तो तुम्हारे खाने आपको को मिस कर जरूर रहा हूँ, बुलाऊंगा। मतलब तुम्हारे खाने को जो हम बैठ के साथ में बना रहे थे खाना, चिकन विकन, सब मिस कर रहा हूँ। तुम्हारे वो तो है भाई, वही है। मतलब जल्दी मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, और जल्दी कुछ प्लान करके बनाते एक बड़ा सा प्लान। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू कबीर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, थैंक यू शक्ति एंड भाई, मिलते हैं फिर से। थैंक यू, मिलते हाँ हैं जरूर। चलो जी, थैंक यू, बाय। हाय।